तैयार हो जाइए एक संघर्ष और जीत की रोमांचक कहानी के लिए। अजय देवगन फिर से 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में लेकर आ रहे हैं कप्तान सैयद अब्दुल रहीम की प्रेरणादायक कहानी। फैंस के काफी लंबे इंतजार के बाद अब एक दमदार ट्रेलर आया है जिसका नाम है मैदान। फिल्म में अजय देवगन को कप्तान सैयद अब्दुल रहीम, जो 1952 से 1962 के समय में फुटबॉल में ऐतिहासिक क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने यह फिल्म में दर्शकों को जीत की भावना और मेहनत की भावना को गहराई से दिखाया है। ट्रेलर की शुरुआत कुछ ऐसे दिखाई गई है जब अजय देवगन की पत्नी टीम की जीत की संभावनाओं के बारे में पूरे भारत में संदेह व्यक्त करती हैं। फिर भी उनकी क्षमता पर अजय का अटूट विश्वास चमकता है। जैसे ही कोच भारत की मलिन बस्तियों से आने वाले खिलाड़ियों सहित कई पृष्ठभूमियों में तैयार एक दुर्जय टीम को इकट्ठा करने की कठिन यात्रा पर निकलता है, ट्रेलर उसकी रणनीति, कौशल और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पण को प्रदर्शित करता है। हालांकि श्रेष्ठता की खोज के बीच चुनौतियां भी कड़ी हैं। अजय देवगन के चरित्र को संदेह और विरोध का सामना करना पड़ता है, जो उनकी अपरंपरागत पसंद और तरीकों पर सवाल उठाता है। बाधाओं के बावजूद वो अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, असफलता से उबरने या फिर कोचिंग पूरी तरह से त्यागने की कसम खाते हैं। ट्रेलर में फिर नाटकीय मोड़ आता है जब टीम एशियन गेम्स की चैंपियनशिप हार जाती है और बड़े पैमाने पर लोगों का सामना करती है। यही एक दर्दनाक दृश्य का प्रतीक है जहां खिलाड़ियों की बस पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया जाता है। फिर भी अराजकता के बीच मैदान अपना ध्यान कोच और उनकी टीम के लचीलेपन पर केंद्रित करता है, जो दृढ़ता, बलिदान और आखिरकार जीत की एक दिलचस्प यात्रा को दर्शाता है।